देखो मिटा उसका छोड़ो तुम्हें दवा देखा थी ठीक है, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है किरण नेगी और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किरण नेगी ब्लॉग्स में और देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, खूबसूरत वादियों में। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे नीचे वाले घर से और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आई हूँ यहाँ पर गुड़ाई करने के लिए। तो मैंने सोचा था कि आज मतलब हम उधर साइड को जाएंगे झंगोरे की गुड़ाई करने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी गीला हो रखे हैं, मतलब खेत ना काफ़ी गीले हो रखे हैं, तो इस वजह से हम खेतों की तरफ नहीं गए हैं। तो मैं नीचे वाले घर पे आई। तो यहाँ पे हमने तोर की दाल बो रखी है और मुझे उसी की गुड़ाई करनी है, और कुछ वहाँ पे मुंगरी भी बो रखे हैं हमने। तो सासू जी ने मेरे को बोला है इसकी गुड़ाई करने के लिए, और सासू जी आज घर पे हैं गुल्लू के साथ। अभी वो सोया नहीं, तो क्या पता जब वो सो जाए तब आएँ। और रॉकी भी आ चुका है मेरे साथ। तो नीचे वाले घर पर मैं आज काफ़ी दिनों के बाद आ रही हूँ। और फिर से इतनी तेज हवा चल रही है, देख लो यार, ये आंधी तूफान तो पीछे नहीं छोड़ रही है इस साल। और नीचे की तरफ को देख सकते हो आप लोग, कितनी तेज हवा भी हो रही है और बारिश भी बहुत ज्यादा तेज आने लगी है। अभी शाम के दोस्तों 5 बजने वाले हैं और देखिए अभी ना थोड़ा बारिश बंद हो गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ गौशाले पे रस्सी लेने के लिए, और हमारे घर में ना आज बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं बच रखी हैं, तो मैं थोड़ा लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। उधर पे हमने इकट्ठा करी थी कुछ लकड़ियाँ, तो वही जा रही हूँ मैं अभी उनको लेने के लिए। तो मौसम का हाल देख सकते हो, नीचे की साइड तो अभी भी बारिश ही लगी हुई है। तो आजकल ना परेशान हो गए हैं यार, काम के टाइम पे देखे कैसे मौसम हमेशा हमेशा ख़राब हो जा रहा है। तो बतख भी अभी बाहर ही घूम रहे हैं, ये देखो। तो शायद अभी सासू जी आए थे गौशाले, तो सासू जी ने निकाला उनको। अब तक हमने चाय चुई पी मैंने सासू जी ससुर जी ने, मितांश तो सो रखा है, उसके पापा भी कहीं जा रखे हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कर रखी है हमने लकड़ियाँ जमा, और यहाँ से लेके जाऊंगी मैं, तो सूखी लकड़ियाँ हैं ये। तो चलो एक बार लगा लेती हूँ मैं लकड़ी का भरा, फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों अभी ना मैं ले आई हूँ लकड़ी, ये देखो, और अभी बस अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। तो ये लकड़ियाँ ना थोड़ी गीली हो रखी है, तो इसको हमें आग वाले किचन में रखना पड़ेगा ताकि ये सूख जाए। और आजकल तो लगातार बारिश हो रही है, तो इससे सारी लकड़ियाँ जो हैं वो गीली हो गई हैं।
तो दोस्तों लकड़ी लेके ना अभी मैं फिर से आ गई हूँ गौशाले पे गाय भैंसों को बाहर निकालने के लिए। और अभी ना बारिश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मतलब अब नहीं आ रही है बारिश, तो कल देखते हैं कल क्या हो रहा है। और देखो मैं खा रही हूँ काफल, तो अब ना ज़्यादा नहीं बच रखे हैं काफल, कम ही बच रखे हैं। और यहाँ पे मतलब जल्दी पक जाते हैं और जल्दी झड़ भी जाते हैं। और इस बार तो बारिश है तो इतने ज़्यादा काफल नहीं हुए, तो मैं जहाँ लकड़ी के लिए गई थी वहाँ मेरे को कुछ काफल मिले थे, तो देखो मैं वही खा रही हूँ। और कोई हरे हरे भी हो रखे हैं। और अभी बतख और मुर्गियाँ भी बाहर ही घूम रही हैं, ये देखो मेरे पीछे ये। तो चलो निकाल लेती हूँ मैं एक बार भैंसों को बाहर। तो दोस्तों ये देखो हमारे तीन हैं भैंस। तो दोस्तों अभी ना रात के 8 बजने वाले हैं और आज पतिदेव जी लाए हैं गोलगप्पे, तो हम ये अभी तलने वाले हैं देखो। और ये पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं आज, काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी दिन पहले मंगाए थे हमने इनसे, तो काफ़ी टाइम बाद ला रहे हैं। गोलगप्पे खाने का अलग ही मज़ा होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जिसको भी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो आओ आप लोग भी। और अभी यहाँ पे ना इसको तलेंगे और इसकी चटनी वगैरह भी ला रखी है। तो ये देखो रेडीमेड चटनी भी है यहाँ पे, तो आज हम खाएंगे बहुत टाइम बाद गोलगप्पे। और मितांश भी बैठा है इधर पे, तो ये देखो मितांश को ना खाने से पहले इसको मिर्ची लगी और गुस्सा भी आ रहा है बहुत ज्यादा। लो ये देखो आपके लिए, लो गुस्सा दिखाओ, गुस्सा दिखाओ जरा हमारे दोस्तों को, गुस्सा दिखाओ। हेलो गाइस बोल दे, गुस्सा दिखाओ, हाय कर दो सबको, हाय प्रणाम कर दो बाबू सबको, गुस्सा दिखा यार, हेलो गुस्सा दिखाओ। ओ तो ये देखो इसको अभी ये गोलगप्पे गिन रहा है कि कितने हैं उसमें, गुस्सा दिखाओ देख लो। और ये खा रहा है नूडल्स। तो चलो अभी ये स्टार्ट करेंगे बनाना। तो दोस्तों देखो अभी यहाँ पे हो रहा है तेल गरम 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 गोलगप्पे, वाओ। तो देखो गोलगप्पे शुरू हो चुके हैं, वाओ फर्स्ट वाला गोलगप्पा देखो। अभी ये तल रहे हैं तो थोड़ा मैं कुछ और काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे सब्जी भी चढ़ा रखी है, स्वाद ही नहीं चढ़ना मैं तो। तो ये देखिए यहाँ पे हो चुके हैं गोलगप्पे तलने शुरू। है ये जवाब में ले जाओ दिन में तो दोस्तों अभी ये बना रहे हैं यहाँ पे जो इन पैकेट में था गोलगप्पे का पानी, जिसमें गोलगप्पे खाते हैं, ये मीठा वाला है ना, हाँ तो ये है मीठे वाला। और आजकल बनाने की जरूरत नहीं है, देख लो ऐसे आ रहे हैं मार्केट से बने बुने। ये देखो अब इसमें पानी मिलाएंगे। और ये है शायद ये है चटनी, इसमें भी पानी मिलाएंगे हम, तो देखो कैसा। तो ये है चटनी और इसमें भी अभी हम दोनों को पानी डाल देंगे और फिर खाएंगे गोल वाले गप्पे। दोस्तों देखो हमारी हो गई है गोल गप्पे की मीठा खा। तो दोस्तों अभी सासू जी भी आ चुके हैं यहाँ पे गोलगप्पा खाने, मीठा अच्छा वो लाल वापिल में। तो सासू जी को ना तीखा वाला पसंद नहीं आ रहा है, मीठा आ रहा है, गम डुबाओ खुले। तो ये देखो तो नहीं हो भालो आवे संगे संगो सासुर फेल कर रहे हैं तुम गोल का पा नहीं हो बात तो देखो इनके गोल कप्पे फेल हो चुके हैं दोनों में से। कोई पसंद नहीं आवला सौ दादी को चटनी में पानी में से।
बूंदी थी जो नीचे पेटा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। मीठे से ज्यादा ना ये तीखा वाला ठीक है। हादी होती हाथ निकाल दे तो दोस्तों अभी हमारी चल रही है यहाँ पे गोलगप्पा पार्टी और सासू जी और ससुर जी के उधर चल रही है बुल्लू के साथ। तो काफी मस्त हो रहा है, फैमिली के साथ गोलगप्पे खाने का अलग ही टेस्ट है। आप लोग भी आओ और जिसको भी गोलगप्पे पसंद हो ना कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो ये लो ये आपके लिए। और मैंने ना आटा गूंद रखा और हाथ भी धो रखा है। अच्छा तो चलता हूँ। तो ये है पहाड़ियों की पहचान। अब मैंने पहुंच भी नहीं दिया। टेस्ट बढ़ाना है तो इन्होंने बूंदी के बदले में इसमें कुरकुरे का यूज किया है, बट वो भी अच्छा ही हो रहा। So press this bell icon. तो काफी ज्यादा टेस्टी पूरा गंदा भरा मीठा लास्ट मीठा वाला मस्त हो रहा। मेरे को तो बहुत अच्छे लग रहे। दोस्तों आज के ब्लॉग को ना गोलगप्पे पार्टी के साथ ही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही करना है, प्लीज शेयर भी आप जरूर कर देना। और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो पक्का करना है, ठीक है। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ मैं तो झाड़ने जा रहा तो चलिए आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाय बाय। जय देव भूमि उत्तराखंड।